योगेन से जुड़ी ताजा अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ये रिपोर्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो लोग एर्दोगेन को पसंद करते हैं। एर्दोगेन कैसे एक ताकतवर नेता बनकर के कल तुर्की की राजनीति में उभरे हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार एर्दोगेन कैसे तुर्की के सबसे ताकतवर नेता बन गए। रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 52% से ज्यादा वोटों से जीतने के बाद रजब तैयब एर्दोगेन ने सर और बॉस से भी कई ज्यादा ताकतवर होने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन वोटों के बिना भी 64 साल के ये इस्लामवादी नेता तुर्की के इतिहास में दूसरे सबसे ताकतवर नेता थे। उनसे आगे सिर्फ तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क या मुस्तफा कमल पाशा का नाम आया था। नई जीत के साथ ही एर्दोगेन को नई ताकतें मिलेंगी। इन ताकतों के जड़ में साल 2007 में उनकी अगुवाई में हुआ एक जनमत संग्रह है। इसके मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति के पास अब वो सभी शक्तियां होंगी जो पहले प्रधानमंत्री के पास हुआ करती थी। तुर्की में अब प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया है और उसकी सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के स्थानांतरित कर दी गई हैं। एर्दोगेन अब अकेले वो शख्स होंगे जो वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मंत्रियों, जजों और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करेंगे। एर्दोगेन ही देश की न्यायिक व्यवस्था में दखल दे सकेंगे। वो ही देश में बजट का बंटवारा करेंगे और उनका ही व्यक्तिगत फैसला होगा कि साल 2016 के सेना में असफल तख्ता पलट की कोशिश के बाद लगे आपातकाल को हटाएं या लागू रखें। इतने अधिकारों के बाद कोई ऐसी संस्था या व्यक्ति नहीं होगा जो एर्दोगेन के फैसलों की समीक्षा करे। नए संविधान के मुताबिक एर्दोगेन न सिर्फ अगले 5 साल के लिए सरकार के सर्वसेवा बने रहेंगे बल्कि वो साल 2023 में भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने पर साल 2028 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक प्रवासी का बेटा तुर्की का सबसे ताकतवर नेता बन गया। ये अपने आप में दिलचस्प है कि जॉर्जिया के एक प्रवासी का बेटा आज तुर्की का सबसे ताकतवर शख्स कैसे बन गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए एर्दोगेन ने लंबा सफर तय किया। उनका जन्म कासिम पासा में और पालन पोषण काल सागरा के पास हुआ। एर्दोगेन को इस्लामिक आंदोलन ने तुर्की प्रसिद्धि दिलाई। तुर्की की सत्ता के शिखर तक पहुँचने से पहले एर्दोगेन जेल भी गए। 11 साल तक प्रधानमंत्री रहे और हिंसक तख्ता पलट की कोशिशों का सामना भी किया। पिछले 15 सालों में उन्होंने 14 चुनावों में का सामना किया और सभी में जीते। उनके समर्थकों में ज्यादातर लोग रूढ़िवादी मुस्लिम हैं। इनका कहना है कि उनके नेता तुर्की में आर्थिक सुधार किए और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश को सामाजिक स्थान दिलाया। एर्दोगेन सिर्फ तुर्की के ही नेता नहीं बन करके रह गए हैं, वो बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की एक आवाज बन गए हैं, क्योंकि जहां कहीं भी मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो रजब तैयब एर्दोगेन पहले वो शख्स होते हैं जो सबसे पहले उस घटना पर अपनी आवाज उठाते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों की अपने ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमने रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुआ तब देखा और सीरिया मुसलमानों के साथ जो हुआ वो भी हमने देखा और फिलिस्तीन के मुसलमानों को हर वो कोशिश करते हैं जिससे मजलूम मुसलमानों को जहां परेशान किया जा रहा है उन्हें बचाया जा सके। तो ये खबर सिर्फ उनके लिए जो एर्दोगेन को पसंद करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।